दुनिया के अद्भुत और अविश्वसनीय बच्चे। दोस्तों, हम आपको अभी कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे लोग शायद देखने से डरते हैं या फिर दूरी बना लेते हैं। हम दुनिया के उन अद्भुत और अविश्वसनीय बच्चों को दिखाने जा रहे हैं जिनको शायद ही आपने देखा हो या फिर सुना भर भी होगा। दोस्तों, ऐसे अद्भुत बच्चे शायद लाखों में एक होते हैं। हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें उसने एक अच्छा जीवन दिया है जिसके बदौलत हम दुनिया के सभी सुख का आनंद बड़े आराम से ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में कुछ बच्चे हमारे जितने सौभाग्यशाली नहीं हैं, जो हमारी तरह जिंदगी जी पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ अद्भुत बच्चों के बारे में हम बताएंगे। नंबर एक। पहले नंबर पर आने वाला अद्भुत और अविश्वसनीय बच्चा जो कि हमारे देश भारत का ही है, जिसका नाम है मोहम्मद कालिम। दोस्तों, मोहम्मद कलीम एक ऐसा लड़का है, जब वो 7 साल का था उस समय उसका एक एक हाथ लगभग 8-8 किलो का हुआ करता था और वो इस वजह से कुछ भी उठाने में असमर्थ था। दोस्तों, मोहम्मद कालिम के इस अजीब तरीके के हाथों के अनियंत्रित विकास को देखकर सब हैरान रहते थे। लेकिन इस समस्या को लेकर मोहम्मद कालिम जब अन्य बच्चों को देखता था तब वो हमेशा निराश रहता था। लेकिन दोस्तों, साउथ इंडिया के एक डॉक्टर की टीम की वजह से उस साल 2014 में उसे थोड़ी आशा की किरण दिखी। उस डॉक्टर की टीम ने उसके हाथों की सर्जरी कर उसके हाथों के आकार को छोटा करने की कोशिश की। उसकी आखिरी सर्जरी 2015 में हुई। अभी भी दोस्तों उसके हाथ का ट्रीटमेंट चल रहा है। नंबर दो। दुनिया की सबसे छोटी बच्ची जो ब्रिटेन में रहती है और उसका नाम है चॉलेट गॉडसाइड। दोस्तों, जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब डॉक्टर ने इसे बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि जन्म के समय ये मात्र 1 किलो की थी, जो कि एक नवजात शिशु की औसत आयु से बहुत ही ज्यादा कम है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी लंबाई उस समय दोस्तों मात्र 10 इंच की थी। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जन्मे बच्चों को बचाना कैसे संभव है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाइएगा कि ये बच्ची अभी 10 साल की है लेकिन इसका वजन अभी भी मात्र 4 किलो और लंबाई मात्र 27 इंच ही है, जो रोज स्कूल जाती है और अन्य बच्चों की तरह एक सामान्य जीवन जीती है। दोस्तों, अगर इस बच्ची को अगर इस उम्र के बच्चों के साथ खड़ा किया जाए तो उनके सामने ये बहुत छोटी एलियन की तरह दिखती है। नंबर तीन। अद्भुत बच्चों में इंडिया के ही निहाल बिटाल का नाम भी शामिल है, जो एक असामान्य तरीके की जेनेटिक बीमारी से ग्रसित था। दोस्तों, उस बीमारी का नाम प्रोजेरिया था। दोस्तों, भगवान करे ऐसी बीमारी किसी को ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बीमारी में किसी की भी उम्र उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ती है और इसके कारण बच्चा भी बूढ़े की तरह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, निहाल भी इसी तरह 15 साल की उम्र में बूढ़े की तरह 120 साल के आदमी की तरह दिखने लगा था। निहाल आम बच्चों की तरह खेलता कूदता और पढ़ाई करने स्कूल भी जाता था, लेकिन उसके इस जेनेटिक बीमारी की वजह से उसके दोस्त भी दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि उसे देखकर लगता था कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। और दोस्तों, स्कूल से भी उसे इसलिए निकाल दिया गया कि बच्चे उसे देखकर डर जाते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है निहाल इंडिया में पहला बच्चा था जिसे प्रोजेरिया होने का पता चला था और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, निहाल की मृत्यु इसी कारण 3 मई 2016 को हो गई। निहाल को फेस ऑफ प्रोजेरिया के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि उसने जीवित रहते हुए कई लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया और जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे थे उसकी खोज भी की। इन अद्भुत बच्चों के जज्बे के लिए एक लाइक अवश्य करना। अब इसी श्रेणी में नंबर 4 पर आता है चाइना की राजधानी बीजिंग में रहने वाला अद्भुत लड़का फू वैंग बी, जिसकी गर्दन एक सामान्य तरीके की मनुष्य की गर्दन की तरह नहीं है, बल्कि उसकी गर्दन में सामान्य से 3 वर्टिब्रे होने की वजह से उसकी गर्दन बहुत लंबी दिखती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्टिब्रे क्या होता है। तो दोस्तों, ये सबके शरीर में होती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जिससे चलने में, खड़े होने में या गर्दन को हिलाने डुलाने में मदद करती है। दोस्तों, एक आम इंसान में 7 वर्टिब्रे होती है, परंतु इस असामान्य गर्दन वाले फू वैंग बी के गर्दन में 10 वर्टिब्रे है, जिसके कारण उसके गले में हमेशा दर्द रहता है। जब यह 6 साल का था तभी इसके परिवार को पता चल गया था कि इसे स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, लेकिन दोस्तों उसकी गर्दन को ऑपरेशन द्वारा छोटी करने का दावा एक हॉस्पिटल ने किया है, लेकिन अभी भी ये बच्चा अपने इस दर्द से उभर नहीं पाया है। दोस्तों, अब नंबर 5 पर आता है उस लड़के का नाम जिसके ऊपर आपने कई बार मीम बनते देखे होंगे,
दोस्तों इसका नाम लू हाउ है, जो चीन का रहने वाला है। दोस्तों इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस लड़के पर बने मीम से इस लड़के को सब पहचानते हैं। दोस्तों ये वही लड़का है जिसे दुनिया का सबसे मोटा बच्चा कहा जाता है, जो महज 4 साल का ही है, लेकिन उसका वजन आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसका वजन है 65 किलो। दोस्तों इतने छोटे बच्चे का इतना भारी वजन जब मैंने सुना तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों जब इस मोटे लड़के पर रिसर्च करने मेडिकल की टीम आई तो उन्होंने पहले इसकी डाइट और रूटीन चेकअप किया। दोस्तों जब सबके सामने इसका रिजल्ट आया तो डॉक्टर भी चौंक गए। इसके डेली रूटीन में एक टाइम में इसके डेली रूटीन के एक टाइम में ये छोटा सा लड़का 3 बाउल चावल खाता है, और न ही कोई एक्सरसाइज करता है और न ही कोई एक्स्ट्रा वर्क, जिससे इसका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा कितना भी खा ले लेकिन इसको भूख लगी ही रहती है। दोस्तों अगर आपके आसपास या आपके जानने में कोई अद्भुत या अविश्वसनीय बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 अद्भुत बच्चे जिनकी शारीरिक बनावट सामान्य तरीके की नहीं है और जिसकी वजह से वो सामान्य जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। दोस्तों ऐसे बच्चों के बारे में सुनकर ही हमारे होश उड़ जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया में ऐसे भी अद्भुत और अविश्वसनीय बच्चे रहते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।